ये उन दलों उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते, उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास करेगी। देश को बांटने वाली ताकतें अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलाशेंगे। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देशवासी है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते, उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ रहे हैं ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और गमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी ये गमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। साथियों, आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं, जब हम वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी उसकी मजाक उड़ाते हैं, जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं, जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं,
जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथ इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं। जब हम ग्रामीण विकास के लिए फंड भेजते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसे गरीबों को तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो, ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रता पूर्वक सलाह है, कृपा करके ऐसी राजनीति न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे, जो देश को बांटना चाहते हैं ऐसे लोगों को मजबूती दे, जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गति दे। साथियों, आज भारत की अर्थव्यवस्था का हर पहिया पूरी गति से घूम रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का असर भारत पर पड़ेगा, लेकिन भारत ने हर आकलन से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत है। आज भारत का आत्मविश्वास, भारत के लोगों का आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर पर है। आज भारत में, आज देश में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, भारत के शेयर मार्केट पर भरोसा चरम पर है, आज भारत के निर्यात के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, त्योहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, गाड़ियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, आज भारत में सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोयला प्रोडक्शन बढ़ा है, आज भारत में स्टील उत्पादन बढ़ा है, बिजली उत्पादन बढ़ा है, दुनिया भर की कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आतुर है, हवाई यात्रा करने वालों की संख्या उच्चतम स्तर पर है, होम लोन में भी उस सेक्टर में भी बहुत अधिक वृद्धि देखी जा रही है। साथियों, आज भारत का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप देखिए, चारों तरफ एक्सप्रेसवे का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जाल बिछ रहा है। भारतीय रेल आज अपने ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। आज देश में नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, आधुनिक ट्रेनें आ रही हैं, गति नहीं है, संकल्प नए है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, हर देशवासी को कहना चाहता हूं, और मैं मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपके सपने मेरे देशवासियों, आपके सपने वो मेरा संकल्प है।
आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है। साथियों, भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया में 5G नेटवर्क के मामले में अग्रणी देश में पहुंच चुका है। आज भारत में गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है। आज देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व गति से काम हो रहा है। हर गरीब को मुफ्त राशन वाली योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। भाजपा सरकार में 4 करोड़ गरीब परिवारों के पक्के घर बन चुके हैं। हम हर गरीब परिवार को पक्की छत देने के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। घर घर नल से जल, यह अभियान तेज गति से चल रहा है। आज देश में रिकॉर्ड गति से नए अस्पताल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ रही है। साथियों, आज भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है, भारत के लोग इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं, अब इससे पीछे नहीं हटना है। और पीछे हटना ये मोदी को तो कभी स्वीकार नहीं हो सकता। भारत के लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं। भारत के लोग विकसित भारत की यात्रा को गति देना चाहते हैं। मैं देश के प्रत्येक युवा को आह्वान करता हूं, वो विकसित भारत का एम्बेसडर बने, वो विकसित भारत के संकल्पों का नेतृत्व करें। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता नमो ऐप पर जाएं और कम से कम 10 लोगों को विकसित भारत का एम्बेसडर बनाएं। हमें आज एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जिसका सपना हो विकसित भारत, जिसका संकल्प हो विकसित भारत, जिसकी साधना हो विकसित भारत, जिसका समर्पण हो विकसित भारत। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटे। इन चुनावों मैंने लगातार कहा है कि हर लाभार्थी तक पहुंचकर भाजपा सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 14 नवंबर यानी जनजातीय गौरव दिवस यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जिन क्षेत्रों में यात्रा पहुंच रही है वहां लोग खुशियां मना रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे गांव आ रही है। मैं आज विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है
जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मेरे परिवारजनों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया है। हमें यह ऊर्जा बनाए रखनी है, हमें यह शक्ति बढ़ाते रहना है। हम 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को जगाए रखना है। हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है। हमें हर मन को समझना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। हमें हर एक को अमृतकाल की विकास यात्रा का साथी बनाना है। जो हमसे दूर है हमें उनके पास पहुंचना है। जिन्हें संदेह है हमें उनमें भरोसा जगाना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास करेगी। देश को बांटने वाली ताकतें अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलाशेंगे। हमें उनसे मुकाबला भी करना है, उनके फेक नैरेटिव को जवाब भी देना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है। साथियों, उत्साह और उमंग के इस वातावरण के बीच मेरी आदत छूटती नहीं है तो मैं फिर से वो तो करता ही रहता हूं कि मैं क्या मूलतः संगठन से निकला हूं तो स्वभाव मेरा जाता नहीं। मैं आज पूरा दिन टीवी पे क्या चल रहा था ज्यादा समय नहीं दे पाया, देख नहीं पाया, क्योंकि मैं हमारे जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है वहां साइक्लोन की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जरा तेजी की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसलिए विजय के महोत्सव में भी मैं तो यही कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें साइक्लोन मिचोंग से भी सतर्क रहना है। बंगाल की खाड़ी से सटे तटीय इलाकों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्क में है, उनकी हर संभव मदद भी कर रही है। मैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, उड़ीसा और खास तौर से आंध्र प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार भले ही किसी भी दल की हो, आप पूरी शक्ति से राहत और बचाव काम में जुट जाना, प्रशासन को पूरा साथ देना। और यही एक समर्पित भाजपा कार्यकर्ता के संस्कार होते हैं। हमारे लिए दल से बड़ा देश है, हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देशवासी है। साथियों, सबके प्रयास से ही हमने अपने संकल्पों की सिद्धि कर सकते हैं। मुझे देश की अमृत पीढ़ी पर भरोसा है। हमारा लक्ष्य एक है, साधना एक है, सपना एक है। भारत विकसित होकर रहेगा, इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। जो भी विजयी हुए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और हम सब मिलकर के देश के सामान्य मानवीय आशा अपेक्षाओं को पूरा कर पाए। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से
मैदान में जो लोग मेहनत कर रहे थे उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।